हेलो एवरीवन, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में बहुत ही अच्छे चने के साग मिल रहे हैं। ये चने के साग सर्दियों के मौसम में सिर्फ 1 से 2 महीने मिलते ही हैं और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। आयरन की भरपूर मात्रा होती है इसमें और थोड़े से ये खट्टे होते हैं। इनका खट्टापन बहुत ही अलग सा होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। चने के साग को आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 200 से लेकर 250 ग्राम तक चने की साग। इसको चने की भाजी भी कहते हैं। जो चना होता है उसके जब पौधे लगा दिए जाते हैं तो जब तक उसमें फूल नहीं आते हैं तब तक इसके पौधे को साग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसकी साग बनने के बाद थोड़ी सी ड्राई होती है, तो इसमें कोई ना कोई दूसरा साग मिला करके बनाइए तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये चलिए इनको बनाना देखते हैं। और ये पौधे बिल्कुल छोटे छोटे देखिए, ये ऐसे मुलायम मुलायम होते हैं। ये बिल्कुल खेतों से आए हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट और ताज़े हैं। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो थोड़े बड़े बड़े रहेंगे और उनकी डंडियाँ थोड़ी कड़ी रहेंगी। तो डंडियों वाले पार्ट को लगभग 1 इंच आपको निकाल देना है और मुलायम मुलायम पत्तियों को ले लेना है। इनको हमने 2-3 बार पानी में अच्छे से डुबा डुबा के धुला था, उसके बाद स्टेनर में रख दिया था। इसका पूरा पानी छन गया है। अब इसको काटना है, तो काटने के लिए इतनी छोटी छोटी तो हम अलग अलग काट नहीं सकते, तो इस तरह से एक मुट्ठी पूरा लेंगे और इसे लपेट लेंगे। अब लपेटने के बाद ये सारी इकट्ठी हो गई हैं, फिर इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। तो ऐसे कैंची की मदद से या फिर चाकू से आप इसको बारीक बारीक काट लीजिए। जितना बारीक इसको हम काटेंगे उतनी अच्छी हमारी साग बनके तैयार होगी। अब कढ़ाई में हम ले रहे हैं सरसों का तेल। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, मगर सरसों के तेल में ये बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। तो 3 टेबल स्पून यहाँ हमने सरसों का तेल ले लिया है और 2 सूखी लाल मिर्ची को तोड़ के इसमें डालेंगे। साथ ही में 1/2 चम्मच हींग। हींग इस साग में डालना बहुत ही ज़रूरी है और क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा करके डालते हैं। और अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम 10-15 लहसुन की कलियाँ, जिनको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है और इन्हें हमें सुनहरा होने तक तेल में भुनना है। और ये देखिए, लहसुन जब सुनहरा हो गया है तो इसमें 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रहे हैं और हरी मिर्ची को डाल करके हमें इसे ऑयल में फ्राई करना है। बिल्कुल बढ़िया से इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, ये भी फ्राई हो गया। अब इसमें हम कटी हुई साग डालेंगे। तो देखिए, बहुत बारीक बारीक सा काटा है, इसी तरीके से काटना है। अब इसमें हम डाल रहे हैं सोया पालक, थोड़ा सा, मतलब 200-250 ग्राम अगर हमारे चने का साग है तो 50-100 ग्राम हम इसमें कोई और साग डालेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ चने का साग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बथुआ, सरसों या पालक कोई भी चीज़ थोड़ा सा डाल देंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा, अच्छे से लपेट लेगा, क्योंकि चने का साग थोड़ा सा ड्राई होता है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। आप ढककर के इसको हम रख देंगे पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के बाद। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, साग से पानी अलग हो गया है, क्योंकि बिल्कुल मुलायम और ताज़ा साग था इसलिए इसने पानी छोड़ दिया है। अगर ये थोड़ा सा कड़ा रहे और पानी ना छोड़े आपका साग, तो उसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। सिर्फ 1 कप पानी से ये साग गल जाएगा। और इसे फिर से ढक के रख देते हैं पकने के लिए। लगभग 10 मिनट हो गया है पकते हुए और साग में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखिए, चला के देख रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है और साग गल भी गया है। लेकिन इसको जब हम दबा के देखते हैं तो देखिए, साग में अभी भी पानी है। इस तरह से दबाने पे पानी अलग हो रहा है। इस पूरे पानी को हमें जला लेना है, साग में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसे हम दबा दबा करके इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे और ये भुनने वाला काम हमें ज़रूर करना है। साग में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना हमें सूखा करके, तभी इसका टेस्ट अच्छे से आएगा। तो चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं। और ये साग को भुनने वाला प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हम साग को दबा दबा करके भूनते हैं, जिससे ये थोड़े से मैश हो जाते हैं, जो डंडियाँ हैं आपस में मिल जाती हैं और अच्छे से साग लपेट जाता है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको लगातार भूनते हुए 10 मिनट हो गया है और पूरा पानी सूख गया है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो इतना हमें भूनना है कि साग तेल छोड़ दे। साग से तेल जब अलग होने लगता है तो समझ जाइए कि हमारी ये चने की साग बन करके तैयार है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, कितना अच्छा ये हमारा साग बना है। देखने से लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। वैसे तो चना का साग बहुत तरीके से बनता है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी साग बनती है।
और बहुत कम समय लगता है इसको इस तरीके से बनाने में, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।